अज असीं अपनी टीम दे नाल माता चिंतपुर्णी मंदिर गढ़ा विखे पहुँच चुके हैं और मंदिर के कैमरामैन को कहांगा सब तो पहला मंदिर के चारों तरफ कैमरा कमा के तुहानूं लाइव तस्वीर दिखाएंगे किस तरह है हनुमान जी का दरबार माता शेरावाली का श्री रामचंद्र जी का उस तो बाद लक्ष्मी जी का विष्णु कुमार जी उस तो बाद जितनी खूबसूरत जी मूर्तियां इस मंदिर स्थापित कीतियां गया है और मंदिर की साफ सफाई तुम देखते हो कितनी अच्छी है सुंदर बैठने का जो इंतजाम है कितना खूबसूरत है और सड़क जुड़े हैं इस मंदिर के जो संचालक हैं संस्थापक हैं श्री सुदागर मल जी आओ उन्होंने मंदिर की पिछोकड़ के बारे इसके इतिहास के बारे और जो तुम डिवेलपमेंट देख रहे हो उसके बारे विचार करते हैं सब तो पहले साइनल स्वागत है धन्यवाद जी अभी तो जानकारी लेनी चाहते इस मंदिर की जिस तरह ये मंदिर आज की तरीक इन खूबसूरती बयान करता है जिस तरह देवी देवते जो सारे पूजनीय उन्होंने स्थान हैं आसन तो सर सब तो पहले सू इस मंदिर की जानकारी दौ जी किस तरह इस मंदिर के पिछोकड़ के बारे में सब तो पहला तो मैं पंजाब फोर्स टीम बहुत पसंद आई टीम और इस मंदिर की शोभा देख के बहुत सवाल कर रहे सर तो मैं दस रहा कि जिस जगह मंदिर बनया है इतने छप्पड़ होंगे पहले पिंड छप्पड़ होंगे जी सर जी और 15-11 छप्पड़ सी साढ़े मन चे मैं जागरण करना जी जागरण लाइन जी कि माता का मंदिर गला अलग अलग होना चाहिए जगह लगते लगते सामने जगह पसंद आ मैं क्या कोई नहीं मेहनत कर पूरना के छप्पड़ आप छप्पड़ आस्ता 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 आप पूरना शुरू कर दिया फिर असी कुछ इटा वगैरह लिया के उदो मैं आर्मी चो 90 रुपए की 1000 इट लिया ठीक है जी सर एक साल की गल है ये 1977 की गल है जी 1977 की जो डिवेलपमेंट असं देख रहे हैं 70 मेन 23 43 हर चौंक चौंकी लाते 100 रुपया सानू हो जाता 100 रुपया जाके ट्राली वाले देते ट्राली वाला 4 ट्रालियां सुन तो इस तरह कर करके बाकी इस मंदिर बना के मैं पिंड का जनता का संगत का बहुत सहयोग माली सहायता जी तो आस पास के जो लोग सर उन्होंने वालों मिलती रहती है बहुत सहयोग मिले मैंने सारा सहयोग ही इन्हों का सी मैं बड़ा आप हैरान हूँ कि मंदिर बन के गया सर ये जिदा हम देखते जो ये नक्शा दे रहे हैं जो प्लानिंग दे रहे हैं ये पिछले मतलब किस तरह मतलब ये महामारी की शक्ति है जी ठीक है ये महामारी ने बुलाया साढ़े तो जिम्मे के 5 पांडव हुए थे ठीक है और हिमाचल जी या जिसे जितने भी माता के मंदिर बने हैं वो सारे 5 पांडव की ड्यूटी लगी थी तो इस तरह महामारी ने मेरी ड्यूटी लगा दी ये मंदिर बनाना भाई बनाना क्या मैंने सेवादार सेवक हाँ तो शुरू करता जी असी अज 43 साल हो गए साड़ी कोशिश होंगी है असं अलग अलग जगह पर जाके जो भी खूबसूरती है जो असं इस मंदिर के संबंध में आए और साढ़े भी मन के सवाल आया जो मंदिर की खूबसूरती देखी क्योंकि मैं अपने फ्रेंड दोस्त नाल एक मंदिर में आया से और पहली दफा जो मैं अंदर मंदिर एंट्री पर देखी तो अंदर खूबसूरती ने साडा जो मन से खिंच लिया और साड़ी भी कोशिश है कि तुहाडे मंदिर की जी खूबसूरती है अं अपने चैनल के जरिए आवाम तक पहुँचाइए संगत तक पहुँचाइए उन्होंने भगतान तक पहुँचाइए जिहड़े इच्छुक हैं और जिहड़े इच्छुक इच्छा रखते हैं इहोजीआं तस्वीरां देखण दी इहोजे मंदिर देखण दी और कोशिश करदा हां जिहड़े जिहड़े वीर साडे इस लाइव मतलब कि चैनल में देख रहे हैं जब देखेंगे तो कृपा करके एक बार इस मंदिर के जरूर प्रदान और इस मंदिर का नाम असं मंदिर माता चिंतपुर्णी जाते होंगे हर साल ठीक है हिमाचल जी जी झंडा लैके जाते वो बड़ा रश हों से चक्के पैने तो एक बार प्रसाद हाथ बड़े होगी गिर गया पेटा बड़ी होगी गिर गई तो माता ने असं हाथ जोड़े कि माता राणी तुम इदा करो तुम गले आ गले आ जाओ असी झंडा जलाना तो ये असी गले चलाव ठीक है तो माता ने जो मन की मंशा अज की तारीख के इतने 50 झंडे चढ़ते जो सावन की अष्टमी होती जी सर सावन का मेला आ गया जो जिन्हों जिन्ह दनता पूरिया होंगे मनोकामना पूरिया होंगे वो झंडे बना के लैके आते हम 27 तरीक में अष्टमी आ रही है सावन जी जी तो तुम देखना नज़ारा होते करोना करके थोड़ा फर्क पेगा ठीक है नहीं तो बड़ा नज़ारा होंगे जी ठीक है सरकारी हदायतों का जो पूरा प्रोटोकॉल जो पालन किया जा रहा वो मैं पूरा कर रहा जी ठीक है
क्योंकि सरकार का हुक्म है। जिस तरह कीर्तन वगैरह इतने डेली कीर्तन चलता है, कीर्तन सुबह आरती होती है, शाम आरती होती है, तो मंगलवार बीबियां मंडली बनी हुई है। बहुत सारे देवी देवता जो मूर्तियां स्थापित की गई, जिस तरह से गल करते हैं मेघ ऋषि महाराज जी की जी मूर्ति स्थापित की। सर ये वाली मूर्ति जी कदों स्थापित की गई थी? 27 मई जी 2000 दूर दूर तो संगत आ। एक इस बार एक्की साढ़े सुभाष जी गुड़िया साहब और दर्शन जी डोगरा साहब, ठीक है, इन्होंने उपराला किया नगर कीर्तन का, ठीक है ठीक है। मेरा ऋषि जी मेघ ऋषि जी मेघ ऋषि और बड़ी विशाल यात्रा बस्ती गुजा दे बस्ती नौ है जी बस्ती शेख है बस्ती दानिशमंद बस्ती दानिशमंद बड़ी विशाल यात्रा सुभाष डोगरिया जी जो शिव सैनिक प्रधान ने और नाल दर्शन जी डोगरा साहब तो मैंने भी बुलाया सी इन्होंने जी, ठीक है, बड़ा मान सम्मान बख्शिया मैंने भी। तो बड़ी विशाल यात्रा लोग लंगर लगाए जय मेघ जय मेघ जय मेघ हो गए। मैं एक चीज़ और नोट की है, जो अभी मंदिर में प्रवेश किए हैं तो सब बहुत सारे देवी देवता दी जी तस्वीर इतने देखने को मिली, तो मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि चाहे अभी साईं जी की गल करते हैं, दयानंद मान जी की गल करते हैं, तो शनिदेव महाराज जी की गल करते हैं, बाबा बालकनाथ जी की गल करते, बहुत सारे जगह तो थोड़े मतलब जो मतलब सारे धर्मों के जेडे किस तरह मतलब के लोग जेडे इस मंदिर के लिए हैप्पी जी। मेरे मन च ये आया, ठीक है, कि कई गरीब लोग होंगे कोई नहीं जा सकते, ठीक है ठीक है ना, असी सारे देवी देवते इतने मंदिर में जी असी स्थापित करते, कोई नहीं जा सकता, इतने बाबा बालकनाथ है इतने मत्था टेक लेंगे, ठीक है है जी। भगवान कृष्ण का परिवार है, राम जी का परिवार है, सरस्वती माँ, गंगा मैया है जी, और लक्ष्मी माता, तो सब असी रखे है, जो उ नहीं जा सकता उ मत्था टेक सकता। बहुत वाइया उपराला है देखने के लिए चलना है, तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुम समा कटिया सूँ जानकारी दी इस मंदिर के बारे, इस इतिहास के बारे, और आम जो भगत हैं जो सारे चैनल देख रहे हैं, असं कोशिश करते हैं कि तुम इसका लाहा लो, बहुत खूबसूरत है, एक बार इस गढ़ा के जरूर आओ। गढ़ा बस स्टैंड जलंधर बस स्टैंड है, उस तो कोई 2-3 किलोमीटर के फासले के बच्चे है, और एक बार आके इस मंदिर के दर्शन जरूर करो, इसकी खूबसूरती का आनंद माणो। तुम जिस भी भगवान के आस्था रखते हो, तुम्हें तकरीबन बहुत सारी देवी देवता की जड़िया मूर्तियां हैं इस मंदिर के नतमस्तक होने तुम्हें इतने मिलनगियाँ, तुम आओ उन्होंने चरणों के मत्था टेको, अपन मुरादा जड़ियाँ वो कहें कि जी भी तुम इतने आस लैके आते हो आस तकरीबन जी पूरी होंगी है। तो मैं MLHP कैमरामैन सतीश भाटिया जी, पंजाब फोकस टीवी।